सो हेलो गाइस, एल क्लासिको इज बैक एंड वी आर बैक विद द एल क्लासिको स्क्रीनिंग व्लॉग। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि इफ यू आर अ फुटबॉल फैन देयर इज नथिंग बिगर देन अ एल क्लासिको बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, बट इस बार वो फील नहीं है एंड मोर लेस इट फेल्ट लाइक वी वर थ्रैशिंग अ रेलिगेशन टीम। और हमारे बार्सिलोना फैन जिनकी पूरी लाइफ इस एल क्लासिको पे डिपेंड करती है क्योंकि ट्रॉफी जीतने की खुशी तो उनको मिलने नहीं वाली, वो काफी परेशान थे क्योंकि इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग लॉस टू बार्सिलोना। और मैं उनको रिकमेंड करूँ कि ये व्लॉग ना देखें, बट मुझे पता है कि तुम लोग जरूर देखोगे। तो चलिए पिछली बार आया था, भूल के गया था पनौती हूँ, लेकिन जीत गए थे। मैं नहीं बोल रहा इस बार बेलिंगम भाई, और अगर इस बार पनौती हो गया तो कोई नहीं, एक बार और से चौमिनी खेल रहा है, कामा बेंच पे, बीनी रोड्रिगो एंड बेलिंगम, वेलवर्डे खेल रहा है एंड हमारा टोनी क्रूस खेल रहा है, मॉडरिच बेंच पे, मॉडरिच बेंच से आ सकता है मे बी कार्वाहल स्टार्टिंग। और बात के लिए छोड़ दे और बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी यही सीन है एंड प्रेडिक्शन नहीं दिया इसने पर मैं दे देता हूँ, मेरी तरफ से है 3-0। काफी बोल्ड प्रेडिक्शन है बट लेट्स सी क्या होता है। तो वी आर बैक एट द स्क्रीनिंग और आज है रियल मैड्रिड बार्सिलोना का एल क्लासिको और आज सुपर कप का फाइनल है, सो वी विल सी कि आज कौन विनर बनता है और वी आर हेयर टू सपोर्ट रियल मैड्रिड, सो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीनिंग। तो आज मैच स्टार्ट हो चुका है बट सबसे पहले हम एक चीज करेंगे जो काफी कंपलसरी है, पूरा एजेंडा चलाया था कीपर के अगेंस्ट, बाहर करो ए केलो इनको, 1-2-3 गो, पूता बार्सा ए ए, पूता बार्सा, पूता बार्सा ए ए, पूता बार्सा, पूता बार्सा ए। और अभी तो हमने पूता बार का करना ढंग से खत्म भी नहीं किया था कि विनी भैया आए और बोले बेटा तुम रुक जाओ मैं करता हूं ढंग से, वो भी सू के साथ। सॉरी, 2 मिनट में 2 चांस नहीं, 10 मिनट में 2 गोल, एक और पड़ गया। ये इमोशन हम लोग फील नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें आदत है 90 मिनट भाई, हम 15 मिनट में 2 गोल, 10 मिनट में भाई, एक और काउंटर। ये रियल मैड्रिड नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है, ये अरे बार्सिलोना नहीं है। और 10 मिनट में 2 गोल मार के हम स्क्रीनिंग की वाइब को एंजॉय कर रहे थे कि तभी हमने रियलाइज किया कि टोनी क्रूस बू हो रहा है, टोनी क्रूस, और इस पे हम लोग का भी वही रिएक्शन था जो कि टोनी क्रूस का खुद होगा। बस बाल सेट करता कहता आप बताओ, टोनी क्रूस एक पास से सबका चुप कर देता है, बू किसे कर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बू करने का कोई फायदा नहीं है भाई, क्रूस एक पास में, क्रूस एक पास में चुप कर देता सबको, क्रूस ऐसे कर रहा क्या। और हम बाल सेट करने के लिए हेयर ड्रायर लेने जाने ही वाले थे कि इतने में लेवांडोस्की के भैया ने गोल मार दिया और पार्सनो को मिली एक छोटी सी किरण कि वो इस मैच में वापस आ सकते हैं, बट उनके फैंस ने उछलना चालू कर दिया। मैं कह रहा हूँ मत उछलो, मुझे स्क्रिप्ट पता है आ गई। कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा मेरा प्रेडिक्शन खराब कर दिया पर इसने यार, कुक कर दिया हमारा, कुक कर दिया मेरा प्रेडिक्शन खराब कर दिया, अरे 3-0 लीड दी ना 4-1। बट उसके बाद मैच में एक ऐसी चीज हुई जो मैड्रिड फैंस की कल्पना से एकदम परे थी, मतलब वी वर इन डिसबिलीव, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें पेनल्टी मिल गई, हमें
आज रेफरी खरीद रखे हैं भाई, आज मजा आना चाहिए, पैसा हम पे पता चलना चाहिए, आज पैसा चल रहा है, पैसा है हम पे पता चलना चाहिए आज हमारा पैसा। भाई तो पेनल्टी एकदम क्लियर थी, बट आज का जमाना इतना खराब है कि सही डिसीजन देने के लिए भी रेफरी को पैसा खिलाना पड़ता है, और परेश दादा ने भर भर के खिलाया भाई। ये विनीशियस क्यों ले रहा है पेनल्टी, मुझे धक-धक हो रहा है, धक-धक हो रहा है। मारेगा भाई, मारेगा 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 विनीशियस की नहीं मारेगा, मारेगा भाई बिल्कुल, मारेगा की नहीं मारेगा, मार दी तो मारेगा। अरे साले बिग मोमेंट्स इन द मैच, विनीशियस लाइन्स इट अप, विनीशियस विनी टुक द पेनल्टी एंड स्कोर्ड हिज हैट्रिक इन अ एल क्लासिको व्हिच वाज हिस्टोरिकल। और विनी वाज ऑल ओवर द पिच, मतलब एक इंस्टेंट ऐसा था कि वो डिफेंड कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, देन स्टार्टेड अ काउंटर एंड प्रोड्यूस्ड अ चांस इन द फाइनल हाफ। सो विनी वाज एवरीवेयर। बहुत छोटी टीम है यार, मतलब इससे अच्छा तो उसने दिखा दी थी, छोटी वाली टीम से ना, छोटा सा देश है, ईयू का भी पार्ट नहीं है कैटलोनिया का, थर्ड बेस्ट टीम ऑफ कैटलोनिया, थर्ड बेस्ट टीम ऑफ, थर्ड बेस्ट टीम भाई, थर्ड बेस्ट जीरो ना उसे सुना, एंड देन देयर इज समथिंग वो भी एक ही बंदे से भाई, हैट्रिक खा ली भाई। प्रेडिक्शन तो बाद में देंगे, पहले बताओ कैसा रहा फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में देखो विनीशियस जूनियर गया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, अगर मैंने कभी भाई को डाउट किया हो, मैंने भाई पिछले शत माफी भाई के लिए, पिछले पॉडकास्ट में डाउट चल रहे थे। आई थिंक इट गोज टू शो के विनीशियस इज अ बिग गेम प्लेयर, एंड द वे ही इज मेड अ कमबैक इज फैंटास्टिक, हैट्रिक अगेंस्ट बार्सिलोना, प्रोबब्ली द सेकंड प्लेयर इन द लास्ट 10 इयर्स टू स्कोर अ हैट्रिक। भाई पहली बात तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब हम 10 मिनट में दो गोल मार दिए भाई, मैं कह रहा हूँ ये हमारी टीम खेल ली है, हमें तो 90 मिनट की आदत है, हमें 90 मिनट में दो गोल मारने की आदत है। लेकिन आप कह रहे हो बिग गेम, ये तो क्या थर्ड फोर्थ बेस्ट टीम ऑफ कैटलोनिया बोल रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा बार्सिलोना को बिग टीम बोलने के लिए, ओ माय गॉड, वी आर इतनी माफी हम विनीशियस से नहीं मांगना चाहेंगे जितनी हम बार्सिलोना से मांगना चाहेंगे, इतनी बड़ी टीम बोलते हैं। फॉर टू द सेकंड हाफ इट्स गोना बी फैंटास्टिक, आला मैड्रिड, सेकंड हाफ हो गया भाई खत्म, घर चलते बैकअप बताऊं तो ल्यूनिन बहुत अच्छा खेल रहा है अभी तक, तो अभी तक एक सेव भी काफी अच्छा किया था ल्यूनिन ने, जो अभी तक हम बचे हुए हैं वो आई थिंक ल्यूनिन को क्रेडिट देना चाहिए हमें। क्या आपको लगता है कि ल्यूनिन ने गलती की थी गोल में, तीसरे गोल में ल्यूनिन नहीं, ल्यूनिन की गलती नहीं थी भाई, ये रिकॉर्ड नहीं होता तुम्हारा, अगर कोर्ट हुआ तो नहीं होता कि नहीं होता भाई, बोल नहीं रहा यार ब्लॉग में कहते हैं भाई ने बोला कि अगर मैंने कहा कोर्ट हुआ होता तो गोल नहीं होता, तो भाई कहते ऐसे तो होगी मेरे घर नानी के, अगर टायर होते तो वो मोटरसाइकिल होती बार्सिलोना अगर गोल मारती तो बड़ा क्लब होती। आई एम नॉट डूइंग एनी प्रेडिक्शन, चल उसके बाद होता थर्ड गोल का एनालिसिस कर यार। थर्ड गोल के कहते हैं इट्स अगेंस्ट रन ऑफ प्ले, लेकिन वही है कि क्या कहते हैं व्हेन योर टीम इज परसिस्टेंट ना, कि तुम रियल मैड्रिड हो भाई, ये रियल मैड्रिड वाली चीजें हैं। बार्सिलोना वर प्लेइंग वेल आफ्टर स्पेशली ओवर लेवेंडोस्की के जो गोल आया, बहुत अच्छा गोल था लेवेंडोस्की का, एक्सपेक्ट किया था कि विनी है लेगा पेनल्टी किक, मैंने नहीं किया था, 2-0 जीत रहे थे एंड सिंस सबका ही पेनल्टी रिकॉर्ड खराब है तो मैंने सोचा था इसी को दे देंगे, क्योंकि उसके बाद हैट्रिक भी था वो, हैट्रिक भी था और काफी अच्छी पेनल्टी थी, और क्लासिको में हैट्रिक मारना है ऐसा बिग डील, बिकॉज़ किसने मारी लास्ट बेंजेमा ने मारी थी 4-0 पे, उससे पहले 1995 में इवान ज़ामोरानो ने मारी थी, काफी बड़ी बात, फाइनल जीते थे मेसी ने मारी हुई है, मेसी ने मारी थी 2000 की बात मत कर आप,
ये बार्सिलोना फैन भाग यहां से, मैं हूं मैड्रिड फैन ही, मैं मजाक कर रहा हूं। वो तो फॉर रियल मैड्रिड के कहते हैं यार हैट्रिक इन द क्लासिको, आई रिमेंबर जामोरानो 1995 मेरे पैदा होने से पहले की बात है, दैट इज द लास्ट 5-0 वी हैड। उसके बाद बेंजेमा ने लास्ट ईयर कोपा डेल रे सेकंड लेग में हैट्रिक मारी थी 4-0 में, और दिस इज द थर्ड वन। सो विनीसियस जूनियर हैज जस्ट जॉइंड हिस्ट्री हिस्ट्री अमेजिंग। तो अब बताओ और गोल आएंगे नहीं आएंगे? यार आई डोंट वांट टू से एनीथिंग यार, मैं मेरी जब जीत जाएंगे ना मैं सब कुछ बोलूंगा। आएंगे और गोल? मेरे को पर्सनली लग रहा है कि एक एक गोल एटलीस्ट और आ सकता है, बट मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा भाई। ही इज अडैप्टेड वेरी वेल टू हिज पोजीशन। देखते हैं अब सेकंड हाफ में क्या होता है। मुझे लगता है कि दो गोल और आएंगे। तो सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका था और गेम काफी बैलेंस चल रहा था, बट थोड़ी देर बाद ही रोड्रिगो भैया ने गोल मार के बार्सिलोना को उसकी औकात दिखा दी। ऐसे क्लासिको देखने के लिए तरस गया था मैं भाई। अभी तो दो तीन गोल और आ रहे, एक कामाविंग और एक ब्राहिम छोड़ दो, एक कामाविंग और एक ब्राहिम छोड़ दो, इसके ऊपर दो गोल ना लेंगे। ब्राहिम तो कसम से ब्राहिम तो आ गया, आ गया। तो अभी बस सबका टाइम आने वाला है, इसके इनके इनके तो तीन हो चुके, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे होंगे ना। अबे ये हैंड गालों का मुझे याद ही आ गया, गुस्सा और आता है, इसकी शक्ल याद दिख जाती है। किसकी किसकी शक्ल? डियोन की शक्ल। अरे जब भी दिख जाता है ना ये, गुस्सा बहुत ज्यादा मन करता है। तो 4-1 की लीड हो चुकी थी एंड मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, एंड फोर्थ गोल के बाद बार्सिलोना वैसे भी काफी सेफ खेल रही थी, मतलब डर डर के खेल रही थी, बट उसके बाद उनकी पूरी तरह फट गई जब उन्हें मिला एक रेड कार्ड। मुझे लगता है परेश भाई ने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए, ओवर पे कर दिया क्या? परेश भाई ने पैसा दिया है, पीछे से टैकल मारा भाई। बार्सा पूता बार्सा कितना कर लो, जो मजा चार चवन्नी में है ना। हाँ ये बात कर दो, अभी अभी करेंगे, छोड़ दे रुक जा। जो मजा चार चवन्नी में है ना वो है नहीं। कप उठाने के बाद, कप उठाने के बाद चार चवन्नी। 75 मिनट पे एंचेलोटी ने अपना सब कर दिया है, अब ब्राहिम इनके ऊपर दौड़ेगा, ब्राहिम को छोड़ दिया है, ब्राहिम ऐसे 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 Appreciate it.
तो उसके बाद वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द फुल टाइम विसल एंड वी क्रिएटेड अ फ्यू चांसेस, बट अगर क्लासिको में थोड़ा सा लफड़ा ना हो तो मजा नहीं आता ब्रो, तो वो भी जरूरी था। वो चीज जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। देखिए भाई बिल्कुल मजे आ गए भाई, मतलब 10 मिनट के बाद ही टेंशन खत्म, उसके बाद गोल लग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, रेड कार्ड आ रहे हैं, मजा ही मजा, भाई जो लोग तुम घर पे देख रहे हो, हमें पेनल्टी मिल रही है, वही बड़ी बात है, विनिशियस पेनल्टी मार भी रहे हैं, बड़ी बात, ऊपर से रेफरी रेड कार्ड दे रहा है, पर रेड कार्ड दे रहा है, भाई भाई क्या रेफरी है भाई, तीन चार बार साइन, इसे ये साइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रेफरी साइन करो और काम बाद में होगा, पापा मेरे जिंदाबाद, पापा मेरे एक्चुअल में रियाद नहीं हो रहे असली मैच, अरे भाई रियाद कुछ लोग खुशी में सोएंगे नहीं जो है हम, और कुछ लोग हैं जो दुख में इतना जागेंगे इतना पिएंगे, उनका भरोसा ही नहीं है कुछ। ब्राजील जाकर क्यों स्काउटिंग करते हैं ना, जो री वो है सीक्रेट है बता चुका हूँ, वॉच अलोंग यहाँ नहीं बताऊंगा, मेरे को भी पता है, परेज का ना परफॉर्मेंस बाय विनिशियस जूनियर, बस यही था आज का मैच, मजा आ गया, अब एंड्रिक आ रहा है, एंड्रिक अपना प्रूफ करेगा, देखो दिस प्रूव्स व्हाई विनिशियस जूनियर इज द बिग गेम प्लेयर, भाई बिग गेम, दिस प्रूव्स, चार चार बिग गेम, कौन सा बिग गेम, फाइनल, कभी-कभी छोटी-छोटी टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं, पर फिर औकात दिखा देती है, चार गोल खा के कैटलोनिया की थर्ड लोएस्ट टीम को हराया हमने, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, सारे फैक्टर सीडीआर ने प्राउड, नॉर्मल गेम है, आराम से नॉर्मल गेम है, सारे फैक्टर आ गए, चलो भाई ये था आज का, आज का चवन्नी घोड़े पे मेरे घोड़े पे, चलो ये तो चलता रहेगा, सेलिब्रेशन होगा, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आराम से। यार भक्त वो पहले यही जाता है, भक्त वो यही जाता है, पहले चाटे मारूंगा, विनीशियस की स्पैंकिंग हो जाएगी मैच में।